ये अवार्ड आई थिंक शायद मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने बहुत सारे लोकेशंस में शूट किया, उनको शोकेस किया अपनी फिल्मों में, तो आई थिंक उसके रिकग्निशन के लिए अवार्ड दिया है. मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ क्योंकि लोकेशंस मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहे हैं. मेरी फिल्म में वो सिर्फ बैकड्रॉप्स नहीं है, कैरेक्टर्स की तरह रहे हैं. सो आई एक्सेप्ट दिस वेरी हम्बली एंड हैप्पीली. देखिए मैं एक्चुअली 75 से ज़्यादा लोकेशंस पे ट्रैवल कर चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, अपने फीचर फिल्म्स के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा एक चुनना. और कभी कभी ऐसे लोकेशंस के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है जहाँ हो सकता है कि शूटिंग आसान ना हो, जैसे अफगानिस्तान जहाँ पर मेरी पहली फिल्म थी. हो सकता है वो लोकेशन ऐसी ना हो जहाँ पर आप अब ज़्यादा शूट कर सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, मेरा हमेशा एक स्पेशल कनेक्शन रहेगा अफगानिस्तान से. उसके अलावा मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए मैं टिबेट में शूट कर चुका हूँ बहुत टाइम के लिए, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल था. बर्मा में शूट कर चुका हूँ एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा तो नॉर्मल आपके न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस, ये सब जगहें हैं. आई थिंक दुनिया में इतने लोकेशन हैं. एटी थ्री का स्टेटस अभी ट्रेनिंग का चल रहा है. रणवीर सिंह के गली बॉय के रिलीज़ के बाद अभी फुल ट्रेनिंग शुरू हो गई है. वैसे जो टीम है वो पिछले 4-5 महीने से वैसे भी ट्रेन कर रही है, लेकिन अब फुल स्विंग है क्योंकि मई से हमारी शूटिंग शुरू होगी. शूटिंग 4 महीने के लिए पूरी इंग्लैंड में होगी क्योंकि 1983 वर्ल्ड कप पूरा का पूरा इंग्लैंड में हुआ था. तो अभी स्टेटस यही है कि फुल ऑन ट्रेनिंग चल रही है क्रिकेट की, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग. तो कास्ट जो हमने अभी तक जो अनाउंस करी, सारी सब अनाउंस नहीं करें, लेकिन जो जो अनाउंस करें उनके बारे में बात कर सकता हूँ. रणवीर सिंह है जो कपिल देव प्ले कर रहे हैं, फिर उसके अलावा पंकज त्रिपाठी हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल है मैनेजर का. जो एक्चुअली क्या है कि प्लेयर्स के बारे हम लोग तब भी जानते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रोल मैनेजर पीआर मानसिंह ने प्ले किया था इस पूरी कहानी में वो लोग नहीं जानते हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और वो पंकज त्रिपाठी जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं इंडस्ट्री के, वो प्ले कर रहे हैं. उसके अलावा साकिब सालिम हैं, हाडी सांधू हैं जो बहुत वेल नोन पॉप स्टार हैं पंजाब में, फिर एमी विर्क हैं जो बहुत बड़े स्टार हैं पंजाब के, वो बलविंदर सिंह सांधू का रोल प्ले कर रहे हैं. जीवा हैं टैमिल स्टार, वो श्रीकांत का रोल अदा कर रहे हैं. उसके अलावा चिराग पाटिल हैं जो संदीप पाटिल के बेटे हैं और मराठी सिनेमा में एक्टिंग कर चुके हैं और क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं, वो अपने पिताजी संदीप पाटिल की का रोल अदा कर रहे हैं. तो ऐसे काफ़ी हैं, धीरे धीरे हम लोग अनाउंस करेंगे और एक बाद में एक स्पेशल कैमियो वगैरह स्पेशल अपीयरेंसेस के भी जो अनाउंसमेंट होंगे वो भी बाद में हम करेंगे. जी देखिए बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी कहानी है. जोया वैसे भी मेरी एक फेवरेट फिल्म मेकर हैं और थिंक गली बॉय के साथ तो उन्होंने शी इज एक्सीडेड हरसेल्फ. सर ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, गलत, मैंने इसलिए शुरू करने से पहले बोला था ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, दे चुके हैं हम ये प्लेटफॉर्म पे.